बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एमआर न्यूज़ और मैं हूं मोइनुद्दीन अलवी। वेमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम नवी एग्री टूरिज्म कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। कॉन्फ्रेंस बीजेडयू बहादुर कैंपस लैया में मुनक्किद हुई, जिसमें सैयद रफाकत शाह गिलानी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इसी हवाले से मज़ीद अहवाल जान लेते हैं डिवीजनल ब्यूरो चीफ आमिर अली अवान की इस रिपोर्ट में। जी आमिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम बीजेडयू बहादुर कैंपस लैया के अंदर सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में जो तलबा तालबात हैं उन्होंने यहाँ पे जो है शिरकत किया। हमारे साथ यहाँ पे कैंपस डायरेक्टर और मेंबर सूबाई असम्बली रफाकत शाह गेलानी और उनके साथ साथ वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की शकीला बानो सुमरा साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज तो सबसे पहले मैं ये जो कॉन्फ्रेंस थी इस हवाले से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। मेरे साथ हमारी बहन शकीला बानो वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हैं और मेरे साथ डॉक्टर इजाज़ साहब मौजूद हैं। बेसिकली हमारी जो आज की ये कॉन्फ्रेंस थी, इसका मकसद ये था कि जो हमारे नौजवान हैं, यूथ है, स्पेशली ये बेटियां हैं, इनको ये बताना है कि जिस तरह से हमारी अभी बहन ने भी बताया कि किसान का बेटा क्यों नहीं किसान बनना चाहता और किसान की बेटी क्यों नहीं किसान बनना चाहती, उसे क्या मसाइल हैं। तो इस हवाले से आज मोटिवेशन दी गई है कि जिस तरह से बाकी बिज़नेस या बाकी जो चीज़ें उन पर आपकी तवज्जो है शोभा जात पर, तो ये हमारा जो एक नेचुरल एक हमारे यहाँ पे सोर्स है, हमारे पास बेहतरीन लैंड मौजूद है, उसको हम उस पर क्यों नहीं तवज्जो देते। जदीद तकाज़ों के मुताबिक अगर हम काश्त करते हैं, एग्रीकल्चर जो है उसको हम बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आज बेसिकली उसकी मोटिवेशन थी। और मैं ये समझता हूँ यही जो नौजवान है, यूथ है, हमारी मुस्तकबिल है, ये हमारे मुल्क का फ्यूचर हैं ये लोग। तो इंशाल्लाह ताला ये जो अवेयरनेस की एक कॉन्फ्रेंस है ये जारी रहेंगी, हम कोशिश करेंगे इसको सालाना तौर पे हम इसे लाजमी रखें। सर, वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इस इनिशिएटिव को किन अल्फाज में सराहना चाहेंगे? सर, वुमेन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से जो उनकी ये कावश थी, जो उनकी एफ़र्ट थी, उसको मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म फराहम किया हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि वो आएँ और यहाँ से सीखें कि हमने न्यू आइडियाज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। और जो न्यू आइडियाज़ हैं, आपकी जेब में पॉकेट में पैसा नहीं है, आपके पास आइडिया तो आप लाखों कमा सकते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने हमारे स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स के लिए जो प्लेटफॉर्म फ्राहम किया है वो हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। देखिए, मैं अपने लैया के बच्चों के नाम एक पैगाम देना चाहूँगी कि आप इतने साल एजुकेशन लेने के बाद आप सोचते हैं कि हमने किसी का मुलाजिम बनना है और हमने ये जॉब करनी है, तो आप अपना माइंड चेंज करें। आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ, आप बिज़नेस की तरफ आएँ। जितनी अपॉर्चुनिटीज़ लैया में हैं वो दूसरे शहरों में नहीं हैं, लेकिन मसला ये है कि हमें वो पता नहीं है कि हमने उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है। हमारे पास एग्रीकल्चर कॉलेज बीजेडयू जो सब कैंपस है वो बच्चों को एग्री पे इतनी ज़्यादा एजुकेशन दे रहा है। अब हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स और यूनिवर्सिटी मिलकर अब हम एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर प्रमोट करेंगे, जिससे हम बच्चों को बताएंगे कि जो डिग्री उन्होंने ली है उससे वो छोटे छोटे बिजनेसेस कैसे कर सकते हैं। इससे आप जो आपका एनवायरनमेंट का इशू है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, आपका फूड शॉर्टेजेस भी रिजॉल्व हो जाएंगे और वो बच्चा जो होगा वो अपने बिजनेस का खुद मालिक होगा, वो किसी का मुलाजिम नहीं होगा। जी, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है कसीर तादाद में जो तलबा तालबात हैं उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और स्टूडेंट का यही कहना है कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस से काफ़ी हद तक लर्न भी किया है और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनकी फलाह व बहबूद के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस है वो कारगर साबित होगी। जी शुक्रिया आमिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाजरीन, एमआर न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही, मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए एमआर न्यूज़। न्यू इकबाल टिक्का शॉप, चटपटे और लजीज खानों का वाहिद मरकज। हमारे यहाँ चिकन पीस, बीफ कबाब, चिकन स्पेशल कढ़ाही, चिकन वाइट हांडी, चिकन ग्रीन टिक्का, चिकन मलाई टिक्का, मटन कढ़ाही, चिकन रेशमी कबाब, फिश ब्रोस्ट, चिकन चलगोजी, चिकन बिरयानी, चिकन कॉर्न सूप और हर किस्मी खाने दस्तियाब हैं। न्यू इकबाल टिक्का शॉप नज़्द गला मंडी लैया, प्रोपराइटर मोहम्मद इकबाल, फोन 03008764611।